चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बजी माहौल तो यही है, यहाँ पर सीट पर जो है जयंत के मिलने से मुसलमान खपा हो गए। मोमनन लोग सीट लेते हैं, मुझे भरनगर वाली तो जब भी कुछ था इसमें चुनाव में, लेकिन अब सिटी नहीं है उनकी। तो क्या लगा है किधर बनेगा माहौल जनता का? जनता का माहौल नरेंद्र की डबकू ही बनेगा। दिक्कत ही दिक्कत है, जोन सी फसल बोता है उसी के पीछे लट लेकर रातू पहरे देने पड़े। और फिर रही सरकार की बात, सरकार ने इतनी महंगाई कर दी, बेरोजगारी है देश, मजदूरों के लिए तो कैसे भी नहीं, ना कहीं मजदूरी है। ये रोजगार चाहिए आदमी को, और राशन चौदह ना भी मिलो, जब हमें पेट भराएगा और वो मिलेगा फिर तो हम तो काम, हमें इल्ला मिल रहा, और जब इल्ला मिल गया तो अपना आप आवेगा राशन भी। 6,000 की करी नहीं गई, 60,000 की भर दी, तो फ्रॉड सरकार है, फ्रॉड करती कर रही। अरे अंदर सुने ना, वो सुने रंजी, चुनाव के टाइम आवे, बस चुनाव के टाइम आवेंगे, बस सब आवेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, सारा काम करेंगे। शीशे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में है, और ये मुजफ्फरनगर सीट है, लोकसभा सीट है मुजफ्फरनगर, और ये शाहपुर कस्बा है यहाँ पर, और ये शामली बस स्टैंड है जहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। आसपास लोग हैं हमारे, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है। नामांकन दाखिल हो चुके हैं, और लोग जितने भी प्रत्याशी हैं जिन जिन पार्टियों से, उन्होंने कहीं ना कहीं नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी है, और लोगों से यही जानने की कि भाई इस चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, किस गांव से जी? गढ़ीनवाबाद। अच्छा, ये तो मुझे दे दो। अच्छा जी, क्या नाम अपना? मेरा नाम राजीव बालियान। अच्छा जी बालियान साहब, चुनाव आगे 19 तारीख में मतदान होना है, और ये लोकसभा सीट है मुजफ्फरनगर, क्या लग रहा है, क्या माहौल बनने वाला है इस बार? बस जी माहौल तो यही है, यहाँ पर सीट पर जो है जयंत के मिलने से मुसलमान खपा हो गए, मोमडन लोग, और मोमडन लोगों की 4 लाख वोट है, वे सारी की सारी हरिंदर मलिक पर जाएगी, साइकिल वोट, सपा पार्टी पर वोट जाएगी सारी, और बाकी जो जाटों की वोट है 2.5 लाख वोट जाटों की है, 2.5 लाख मत है जो किसान यूनियन से और RND से जुड़े हैं जाट लोग, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा 2% या 5% जो है भाजपा को देंगे जो पहले थे, बाकी जो पहले जुड़े हुए हैं ये RND से और किसान यूनियन से, वे सपा को ही वोट करेंगे, हरिंदर मलिक को ही वोट करेंगे। तो जयंत के जाने से कितना फ़र्क आपको पड़ा लग रहा है, इस सीट पर कितना फ़र्क पड़ा? जयंत के जाने से जी, जयंत ने अपने 4 लाख वोट तो ये खो दी, और जयंत के जाने से जो है जी चुनाव में मज़े वाली बात नहीं रही, क्योंकि इसमें मुसलमान सब चिढ़ गए, और जयंत के जाने से यहाँ सब तितर बितर हो गया मामला, लोग रास्ता नहीं पाया, फिर क्या करे भाई, है नहीं? लेकिन क्या वजह लगे आपको कि भाई क्या कारण रहे होंगे चौधरी साहब उधर गए? भाई कारण तो नहीं पता, उन्होंने किसी का सलाह मशवरा नहीं लिया, किसान यूनियन का सलाह मशवरा नहीं लिया, किसान नेताओं का मशवरा नहीं लिया, वो तो एकदम इस पाक से उन्होंने अपना समर्थन दे दिया भाजपा को, उन्होंने किसी का मशवरा नहीं लिया। अगर मशवरा लेते अब कोई पंचायत करते तो तभी तो पता लगता भाई क्यों मिले, क्या बात है, क्या करना। 13 महीने किसान आंदोलन रहा, और 750 किसान शहीद हुए हैं उस आंदोलन में, तो क्या वो चीज़ें नहीं दिखाई दी एक बार जाने से पहले, या चुनाव पे फर्क पड़ेगा ये बात नहीं सोचने में आई होगी? हाँ, उन्होंने यही उसी बात से तो खफा हो गए जाट लोग जो है भाई, वो अगर किसान यूनियन से मिलते, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत है, इनकी सलाह मशवरा लेते तो उसमें बहुत कुछ हो जाता, तो क्या पता मैं अपने मुंह से ही कह देते भाई तुम मिल लो, लेकिन उन्होंने किसी का मशवरा लिया इसमें, इसलिए खपाए उनसे सब। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर वे सीट या उन्हें मिलती सीट लेते या मुझे भरनगर वाली तो जब भी कुछ था इसमें चुनाव में, लेकिन अब सिटी नहीं है उनकी, तो जब सीट नहीं है तो मैं भी कहने लायक नहीं है भाई जाटू को या किसान यूनियन को बोल जाता हमारी वोट दो या तुम भाजपा को वोट दो, मैं किस मुँह से कहेंगे, जब तुम कह दे हम चवन्नी थोड़ा ही हम पलट देंगे, आज वही चवन्नी जो पलट गई। समाज पे फर्क पड़ा है इन बातों का, इन बदलावों का? बिल्कुल समाज पे फर्क पड़ेगा जी। और फिर रही सरकार की बात, सरकार ने इतनी महंगाई कर दी, बेरोजगारी है देश में, अब सात यहाँ उत्तर प्रदेश में 7 फार्म लिगड़ गए, 7 पुलिस के फार्म लीक हो गए, यानी पेपर लीक हो गया 7 बार, 7 साल में 60,000 की भर्ती काट दे,
6,000 की करी नहीं गई, 60,000 की भर्ती है। तो फ्रॉड सरकार है, फ्रॉड करती कर रहे हैं। 7 साल में कोई भी भर्ती नहीं, सात बार भर्ती निकली, 7 बार ही पेपर लीक हुए। काम अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, काम अच्छा नहीं लगा भाजपा का। देश में 22 करोड़ युवा है वोटर इस बार, तो क्या आपको लगा युवा नाराज होगा इस देश? बिल्कुल युवा नाराज है, देश का सब युवा नाराज है। कोई भी युवा भाजपा को सब वोटिंग नहीं करने का। बेरोजगारी बड़ी समस्या है? बेरोजगारी बड़ी समस्या। अग्निवीर दिया 4 साल की करती इसमें जो है, और पेंशन खत्म कर दी तो देश में रही क्या का। आर्मी की नौकरी बड़ी मजबूत नौकरी थी, तो 4 साल की करती इसमें तो फॉर्म भी नहीं भरते बच्चे, अब जाकर कहीं की नौकरी रह गया। नमस्कार जी। नमस्कार बड़े मियाँ, कहाँ से? यहाँ से ही हो? गांव कौन से गांव से? शिकारपुर। अच्छा, चुनाव की बात कर रहे थे हम ऐसे ही कि भाई लोकसभा चुनाव आ गए, पर्चे वर्चे भी भरे गए, 19 तारीख का चुनाव है, क्या मुजफ्फरनगर में किस क्या देख रहे हैं, इस बार क्या बनेगा भाई? इस बात का कुछ पता नहीं क्या अच्छा बनेगा, ना किसी का पता कहाँ कौन वोट देगा। तो माहौल बना जाएगा आखिरी तक, कोई वोट मांगना ना कोई पता लेता ना सता लेता, मंत्री भी हो जाओ जितनी कोई आता। अच्छा, सरकार कैसी लगी 10 साल होंगे? बट ठीक है जैसी भी है। तो जैसे क्या करो, मजदूरी करो या क्या करो? मजदूरी करा है जी। अच्छा, तो क्या हो मजदूरों के लिए कैसी रही? मजदूरों के लिए तो कैसे भी नहीं, ना कहीं मजदूरी है कुछ नहीं है। क्या रे, महंगाई बढ़ गई होगा? हाँ, महंगाई दिक्कत हो रही, गरीब आदमी को तो दिक्कत ही है सारी। क्या नाम जी, कहाँ के? अरे हम तो कहीं है, पलडे के। पलडे के? अच्छा, तो मुजफ्फरनगर में ही आता होगा? हाँ, मुजफ्फरनगर में। अच्छा, तो क्या देख रहे चुनाव में? बस चुनाव तो ज़्यादा होगा ही भाई, यहाँ से तो गरीब आदमी अपना कहीं पर मरेगा आदमी, जब रोजगार नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी। हमारा तो भाई रोजगार चाह साफ है बाल जिंदा, वो कोई चलेगा होंगे कोई हम चल देंगे, चल भाई और क्या। सरकार ने नहीं इंतजाम किए कुछ? कुछ नहीं करा भाई, क्या कर रही सरकार यार। तो मजदूरी बढ़ी हो, रोजगार बढ़ा हो कुछ क्षेत्र में ऐसा भाई? कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, ना मजदूरी बढ़ी ना रोजगार बढ़ा। आम आदमी को दिक्कत है क्या रही, मतलब एक तौर पर देखा अगर? भाई हमें तो दिक्कत ही दिक्कत है, हम जाने साने वाले क्या उन्हें पाड़े क्या करें, सब चिल्ला करने वाला है आदमी क्या कर सके, घर मकान मारे नहीं बहाने के लड़े सारे को बिल्डिंग ठोकती जा रही है शहरों कस्बों में। सरकार ने नहीं करा कुछ इंतजाम मकान का? कह रहे बहुत मकान दे दिए। अजी कुछ नहीं दिया, गाँवों में नहीं है, कस्बों में दे रखी, शहरों में दे रखी, गाँवों में कोई योजना नहीं। यहाँ चुनाव के टाइम भी नहीं आया कोई गांव में? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वोट तो ले लेंगे अब? हाँ, वोट ले लेंगे, वोट को तो सब आ लेंगे, हाथ जोड़ेंगे पैर जोड़ेंगे, फिर उनके बाहर जाकर जाके कोई भी नहीं बात करता। तो कह रहे मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर रहे, सबको फायदा पहुँचा रहे, राशन मिल रहा है, ये हो रहा। भाई मोदी जी तो पहुँचा रहे राशन, लेकिन ये बीच वाले तो नहीं कुछ करण दे रहे। हाँ, पूरा मिल जा राशन गाँव में? राशन तो पूरा मिला है, राशन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कह रहे कि काम धंधे को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ भाई, यही दिक्कत है जी, और कुछ नहीं। तो काम चाहिए, रोजगार चाहिए आदमी को, और राशन 14 ना भी मिलो, जब हमें पेट भराएगा वो मिलेगा फिर, तो हम तो काम हमें इल्ला मिल रहा, और जब इल्ला मिल गया तो अपना आप आवेगा राशन भी। अब जो ये राशन दे रहे हैं सही है तरीका इनका सरकार का? भाई एक हिसाब को देखो तो इनका सही भी है भाई, भूखा का नहीं करता वो तो बेचारा लेवेगा ही, जब उसे कुछ कहीं खाने को नहीं मिलने का और क्या करेगा वो। यार नौकरी दे दे जो जो घर में पढ़े लिखे हैं, या रोजगार मिल जाए भाई। या इतने गरीब आदमी यहाँ से तो पढ़ा लिखा सकते नहीं बच्चों को, अब उनकी पूर्ति करेंगे या अपनी करेंगे? स्कूल बढ़िया नहीं आया सरकारी? हाँ, स्कूल अच्छा है, स्कूल में कोई दिक्कत। तो आपके हिसाब से थोड़ा मसला रोजगार का है? रोजगार का है जी भाई, और कुछ नहीं। तो वोट किसे करोगे? नरेंद्र मलिक है एक तरफ भाजपा से संजीव बालियान जी है। भाई मेरी सुन, वो यही बनेंगे कोई सब बन जाओ इनमें, मतलब नहीं जनता ही तो बनावे। हाँ, जनता बनावेगी और कौन बनावेगा, अब जनता ही हो आप। हर गरीब की कोई सुनता नहीं भाई, सुनते कोई सब इन सुनने का चाहिए, देख लियो नरेंद्र सुने ना वो सुने संजीव, हाँ ये तो कोई सब इन सुनता भाई। चुनाव के टाइम आवे बस, चुनाव के टाइम आवेंगे बस, सब आवेंगे, हाथ जोड़ेंगे पैर पकड़ेंगे सारा काम करेंगे भाई। हम तो ऐसा रोजगार चाह जो हम मजदूरी मिलो जा, या नहीं भाई? तो आप रोजगार को लेकर थोड़े नाराज हो? हाँ जी।
चुनाव की बात कर रहे थे, जैसे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है, क्या लग रहा किसका रहेगा भारी पलड़ा भी इस बार? हरिंदर का रहेगा, हरिंदर का। हाँ। संजीव बालियान भी है, कह रहे कि भाई मजबूत नेता है, भी मजबूत है लेकिन करा तो कुछ नहीं संजीव ने। आपको ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं। और सरकार कैसी रही उनकी? ठीक है सरकार भी। हरिंदर मलिक जी पुराने नेता है। हाँ पुराने नेता है। तो क्या लगे किधर बनेगा माहौल जनता का? जनता का माहौल नरेंद्र की डबकू ही बनेगा। तो आपको काम की अगर बात करूं सरकार के 10 साल कैसे लगे भाई? आम आदमी के हक में, किसान के हक में, मजदूर के हक में कैसी रही? मजदूर के हक में तो मजदूर ही बता सके, हम तो किसान है, किसान के हक में तो ठीक नहीं रही। क्या क्या दिक्कतें हुई? दिक्कत ही दिक्कत है, मतलब जोन सी फसल बोता है उसी के पीछे लट लेकर रेतु पहरे देने पड़े, उसे ही चुक जा। बता क्या हो रहा है, मिल रहा किसान को? ये तो कह रहे भाई किसान का बहुत फायदा कर दिया, किसान सम्मान निधि दे रहे हम, बिजली माफ कर रहे, इस तरह की चीज हो रही, योजनाएं चल रही। माफ कर रहे 12 की माफ करी, वो भी पहले बिल भरो उन गए जो घरेलू है उस पर बढ़ा दिए, उन गए को कट्टी, उन गए को माफ करी, उन गए को बढ़ा दिए। किसान के हक में सही नहीं रही? किसान के हक में तो ठीक नहीं है जी। लेकिन जैसे किसान नेता थे बहुत बड़े, जैन चौधरी जी उधर चले गए, फर्क पड़ेगा सीट पे? लोग खुश है, नाराज है इस बात से, क्या लगे? देखो जी नाराजगी तो है ही, खैर लोग तितर, पर देखो क्या होता है। चलो जी, क्या नाम जी, कौन से गाँव के? हम तो इनके यहाँ कल बोल गए। अच्छा, चुनाव की बात कर रहे थे हम लोग ऐसे ही, भाई जनता का क्या कहना, क्या राय है जनता की, क्या देख रहे हैं इस बार? तो जी अभी तो निशान भी नहीं आएंगे सही तरफ, चलोगे टिकट तो हो गए, नामांकन भी हो गए। अच्छा जी, क्या लगा, एक तरफ हरिंदर मलिक है, एक तरफ संजीव बालियान जी है, किसे देख रहे हैं इस बार? देखो जी मेरी तो कि जनता कोई बोल नहीं रही। अच्छा, सबके साथ ही रहेंगे हम, सबके साथ ही। बिल्कुल, मिलने नहीं आया कोई वोट के लिए गाँव में? नहीं मारा यहाँ कोई। अच्छा, पलड़े में आया नहीं कोई अभी? नहीं। अच्छा, मन नहीं बनाया अभी? नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी चर्चा सुनते होंगे किसका लगा मामला सपना? चर्चा दोनों का ही है, टक्कर टक्कर रहेगी, आमने सामने ही टक्कर रहेगी। हम लोग मुजफ्फरनगर में थे, लोकसभा सीट पड़ती है ये मुजफ्फरनगर की, और ये शाहपुर कस्बा है जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर बस स्टैंड पर लोगों से बातचीत की, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबर आती रहेगी। धन्यवाद।